ओके जनाब, शहरी की दुनिया में एक बार फिर आपको खुशामदीद कहते हैं एक नए व्लॉग में। तो भाई ये है मेरी दुनिया, और मेरी दुनिया में इस वक्त मैं मौजूद हूँ सिंध पुलिस एफएम 88.6। और आपको पता है कि जुमेरात वाले दिन मेरा शो आता है सिंध पुलिस एफएम 88.6 पे, और आज है मेरा आखिरी शो। भाई आखिरी शो इस वजह से क्योंकि 2022 खत्म हो रहा है और 2023 शुरू हो जाएगा, तो 2022 का मेरा आज आखिरी शो है। और आप लोगों से आज बात बहुत सारी करनी है, वो ये करनी है कि भाई 2022 जो है ख़त्म होने जा रहा है। हफ्ते को न्यू ईयर सेलिब्रेट करेंगे सब, मैं भी बहुत मसरूफ़ होऊंगा, 3 दिन मेरा इवेंट है, तो हो सकता है कि व्लॉग बहुत लेट आए, लेकिन मैंने बोला अभी आप लोगों से बात कर लेता हूं। तो 2022 बहुत अच्छा गुजरा, अल्लाह का शुक्र है मेरे लिए, बहुत सारी कामयाबियाँ समेटी, बहुत सारे काम किए, और सबसे इम्पॉर्टेंट काम ये हुआ है कि भाई फाइनली मैंने एक YouTube चैनल बनाया था 2022 में, और उसको बनाए हुए तकरीबन अभी 4 महीने हुए हैं। और आप ये देखें, ये मैं चीज़ आपको दिखाता हूँ, ये है मेरा YouTube चैनल शहरी की दुनिया, इसका नाम रखा मैंने, और 796 अभी सब्सक्राइबर हुए हैं। और ये देखें आप, ये जो वीडियोस पड़ी हुई हैं सारी जितनी भी हैं, ये देखें लाहौर का मैंने टूर किया, ये तमाम ये देखें डेली व्लॉग्स, ये वो हल्ला गुल्ला मौज मस्ती, और जो है ये तकरीबन जो है मैंने जो अपने YouTube चैनल पे अपनी वीडियोस डाली हैं वो डाली हैं 152 वीडियोस अब तक डल चुकी हैं सिर्फ 4 महीने में। तो अल्लाह का शुक्र है मैंने बहुत अच्छी तरीके से इस YouTube चैनल को रन किया है। और इसका जो YouTube चैनल बनाने का मकसद ये था कि भाई आपको पता है सोशल मीडिया का दौर है, और बहुत अरसे से मुझे लोग कह रहे थे कि यार YouTube चैनल बनाओ, लेकिन मैंने 2022 के 4 महीने पहले YouTube चैनल बनाया, और अब जो है 2023 शुरू होने वाला है। तो ये बहुत अच्छा मेरा एक्सपीरियंस रहा, और अभी आगे मुझे बहुत सारी चीज़ें, जिन लोगों ने मेरे चैनल को सब्सक्राइब किया है, जिन लोगों ने लाइक किया, फॉलो किया, उन सब का बहुत बहुत शुक्रिया। तो ये चीज़ें YouTube चैनल की तरफ से मुझे बहुत अच्छा रिस्पॉन्स मिला, और आगे मैं उम्मीद रखता हूँ कि बहुत सारी चीज़ें होंगी। सबसे बड़ी बात यह है कि 2022 ख़त्म हो रहा है, तो एक बहुत यादगार चीज़ ये रही है कि हम लोग लाहौर गए थे और शादी में गए थे, मैं अपनी विद फैमिली लाहौर गया था शादी में। 3 तगड़ा काम बिगाड़ा कि टीम ने मेरा बड़ा साथ दिया, मेरे अपने बच्चे, मेरे अहमद रज़ा, हानिया और हादी रज़ा, इन तीनों ने मिलकर एक अपने शहरी की दुनिया में आपने देखा कि हमने क्या क्या हल्ला गुल्ला किया। लाहौर में बहुत सारी मोहब्बतें मिली, कुछ लोग ऐसे थे जिनकी जेलेसियाँ, जिनकी बुक्स हमारे सामने आई, और अल्लाह का शुक्र है 2022 में मैंने उन सबको छोड़ दिया है, जिन लोगों से मुझे पता लगा कि यार ये जेलिस होते मुझसे। तो इस दफ़ा मैंने ये सोचा है कि 2022 में कुछ ऐसे लोगों को मैंने छोड़ा है जिन लोगों का मुझे पता लगा कि वो आपके सामने खुल के सामने आ गए, जेलिसी उनके अंदर भरी हुई थी, हसद और बहुत सारी चीज़ें ऐसी थी जिनसे मेरी जान छूटी। 2023 में भी मैं बहुत सारे लोगों को छोड़ने वाला हूँ, और वो लोग होंगे जो आपको पता है जिनको एटीट्यूड हो गया है, बहुत एटीट्यूड करने लगे हैं। मैंने कभी ज़िंदगी में कोई एटीट्यूड नहीं दिखाया, 19 साल मुझे मीडिया में काम करते हुए हो गए, और मैं अभी भी लोगों से मोहब्बत से मिलता हूँ, मोहब्बत से पेश आता हूँ, लोगों के फ़ोन उठाता हूँ, लेकिन 2023 में मैं बहुत सारे लोगों को छोड़ने वाला हूँ। और 2023 की क्या तैयारी है मेरी, ये भी मैं आपको ज़रूर बताऊँगा, लेकिन मेरे व्लॉग्स आपको बताएंगे कि 2023 में मैं क्या करने जा रहा हूँ। सबसे पहले तो हम अपना टाइटल थोड़ा सा चेंज कर रहे हैं, हमारा जो एक्सरो का जो टाइटल होता है वो चेंज कर रहे हैं, म्यूजिक मैं वही रख रहा हूँ अपने यूट्यूब चैनल का, कुछ चीज़ें मैं यूट्यूब चैनल के मैं चेंजेस लेके आ रहा हूँ। जहाँ तक बात रही कॉन्टेंट की, कॉन्टेंट भी चेंज करने वाला हूँ, बहुत सारी डिफरेंट चीज़ें लेने वाला हूँ। बस एक चीज़ का मुझे 2023 में ये करूँगा कि मैं 2023 में पाकिस्तान में कम काम करूँगा, और मेरी कोशिश ये है कि पाकिस्तान को एक्सप्लोर करूं और नॉर्दर्न एरियाज में जाऊं, व्लॉग्स बनाऊं, पाकिस्तान से बाहर भी जाने का मेरा बड़ा प्लान है। बहुत सारी चीज़ें अब ऐसी करनी है जो बहुत डिफरेंट होंगी, और जो जलने वाले हैं उनको और जलाएंगे 2023 में इंशाल्लाह ताला। बहुत बड़े बड़े काम मुझे करने हैं अपनी फैमिली के साथ, अपने बच्चों के साथ। 3 तगड़ा काम बिगाड़ा की जो मेरी टीम है ना, वो बहुत ज़बरदस्त है, और मेरी वाइफ मुझे बहुत सपोर्ट करती हैं, बस मेरी फैमिली मुझे सपोर्ट करती है, यही मेरे लिए काफ़ी है। और आप सब लोग सपोर्ट करते हैं, जिन लोगों ने मेरे चैनल को लाइक किया है, फॉलो किया है और सब्सक्राइब किया है। तो भाई ये सीन है, और नया साल शुरू होने वाला है, आप सबको एडवांस में न्यू ईयर की बहुत बहुत मुबारकबाद। 2022 बहुत अच्छा रहा, और बहुत सारे लोगों से जान छूट गई अल्लाह का शुक्र है, और नए लोग ज़िंदगी में शामिल हुए हैं। 2023 में इंशाल्लाह और भी लोगों को छोड़ना है मुझे, क्योंकि भाई ये दुनिया जो है ना अब सिर्फ काम की दुनिया रह गई है अब, और मोहब्बतें बांटनी, जो मोहब्बतें बांटेगा वो हमारे साथ है, जो नफरत करने वाला है, जो जेलिस होने वाला है,
जो दिल में बुक्स रख के मिलने वाला है, उन सब के चेहरे मेरे सामने आ चुके हैं और मैं उन सबको छोड़ चुका हूं, कुछ लोगों को, और कुछ लोगों को 2023 में मैं छोड़ दूंगा। तो सिर्फ मेरे हलके में वही लोग होंगे जो सिर्फ मोहब्बतें बांटेंगे। तो बस आप लोग हमें सपोर्ट करते रहें, यूट्यूब चैनल को सपोर्ट करें और हमें फॉलो करें, सब्सक्राइब करें, और इंशाल्लाह ताला यूट्यूब चैनल मेरा ग्रो होगा, उसको हम ऊपर तक लेके जाएंगे, क्योंकि इतना तो एक्सपीरियंस है मुझे कि ये चैनल किस तरह ग्रो करना है और किस तरह पर लाना है। लेकिन अभी अल्लाह का शुक्र है मैं अपने चैनल को खुद चला रहा हूँ, मेरी पूरी टीम में शामिल जो है मैं हूँ, मेरी वाइफ हैं और मेरे बच्चे हैं, हम सब मिलके इसको आगे बढ़ाएंगे। और आप सबकी दुआएं चाहिए, शहरी की दुनिया को लाइक करना है, आपको फॉलो करना है, सब्सक्राइब करना है, और अगर कोई आइडियाज आपके जहन में है तो हमें कमेंट्स बॉक्स में मेरे इस वीडियो में आप जरूर बताइएगा। 2022 मेरा कैसा गुजरा ये मैंने आपको बता दिया, 2023 मेरा कैसा होगा ये आने वाला वक्त आपको इंशाल्लाह ताला बताएगा। और अल्लाह ताला से यही दुआ है कि अल्लाह ताला इस नए साल को हम सब के लिए बाईस रहमत बनाए और आपकी दुआओं से मुझे बहुत सारी कामयाबियां मिले, बस यही मेरी दुआ है। नेक्स्ट व्लॉग में दोबारा हाजिर होंगे, तब तक के लिए शहरी की दुनिया। मजा आया।